नमस्कार, मैं बलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब हम करते हैं पेपर कोड 944। पहला क्वेश्चन है, ये 2017 में प्रीवियस ईयर टायर वन में क्वेश्चंस आए हैं सारे। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 700 टू 950 इंक्लूडिंग बोथ, विच आर नाइदर डिविजिबल बाय 3 नोर बाय 7। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 700 से लेकर दोनों इंक्लूड है, 700 और 950। इसका मतलब पूरे अक्षर कितने हुए, 251। 700 भी इंक्लूड है तो 250, और प्लस में एक ये 700 वाला, तो 251 है टोटल नंबर्स हैं। विच आर नाइदर डिविजिबल बाय 3 और नोर डिविजिबल बाय 7। तो हम क्या करेंगे, पहले 3 से कौन से डिविजन हो रहे हैं, फिर 7 से कौन से डिविजन हो रहे हैं, फिर जो ओवरलैपिंग वाले मतलब 3 से भी हो रहे हैं 7 से हो रहे हैं वो माइनस कर देंगे। इससे क्या आ जाएगा, हमारे पास जो टोटल डिविजन होंगे 7 और 3 और 7 से वो आ जाएंगे, और वो हम लोग माइनस कर देंगे 251 से 251 से, तो नाइदर वाला आ जाएगा, नाइदर की 3 से भी नहीं डिवाइड हो रहे और 7 से भी नहीं हो रहे। तो कैसे करेंगे, पहला अक्षर कौन सा है जो 3 से डिवाइड हो रहा है, 702। 707 और 2 9, हम 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, 7 और 2 9 3 से भाग दे देंगे, इसका मतलब कि वो भाग हो रहा है। और जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है, 948। 8 4 12 9 21, इन दोनों का डिफरेंस, और इसका मतलब इतने अक्षर होंगे, और प्लस 1 में कर देंगे क्योंकि वो भी इंक्लूड होगा ना, पहले वाला भी 702 भी इंक्लूड होगा। तो कितना हो गया, 8 में से 2 गए 6, 4 और 9 246 बटे में 3, 83 नंबर ये हो गए जो कि 3 से डिवाइड हो रहे हैं। अब है 950 में से, अब हम देखते हैं 7 से डिवाइड होने वाले, तो पहला अक्षर कौन सा 7 से, 700 ही हो गया पहला अक्षर, तो जो कि 7 से डिवाइड होगा। और आखिरी अक्षर कौन सा 7 से डिवाइड होगा, 7 एक में 7 2 7 एक, ये नहीं होगा। 945 पे कितना होगा, देखो 9 एकम 7 एक में 7 2 7 21 और 7 5 35, तो ये कितना होगा, 945 है वो 7 से जाएगा और डिवाइड बाय 7, तो कितना अक्षर हो गए, देखिए अब ये हो गए 245, और प्लस में 1 भी करना है क्योंकि 700 भी काउंट करना है, तो 245 डिवाइड बाय 7, 7 ये 21 और 7 5 35, 35 और प्लस 1 36, ये अक्षर हो गए। और हम देखते हैं अब कि 3 से भी हो रहे हैं 7 से भी हो रहे हैं, जैसे कि 714 है वो 3 से भी हमने काउंट कर लिया, 7 से भी कर लिया, तो इसमें से एक काउंट होना चाहिए था, इसलिए हम क्या करेंगे, 3 और 7 से मतलब कि 21 से जो डिवाइड हो रहे हैं वो माइनस कर देंगे, जिससे कि पूरे अक्षर आ जाएगा जो 3 से और 7 से हो रहे हैं, वरना वो ओवरलैपिंग आ जाएगी। जैसे कि 714 है वो पहला अक्षर है, ये क्या अक्षर है, 7 एक 8 4 3 से भी हो रहा है और 7 से भी हो रहा है, लेकिन हमने दोनों में काउंट कर लिया ये, तो क्योंकि काउंट तो एक में होना चाहिए था, इसलिए हम वो अक्षर ढूंढ रहे हैं जो 21 से भाग हो जाएंगे, मतलब कि 3 इंटू 7 21 से भाग हो जाएंगे, वो दोनों में ओवरलैपिंग वाले थे। तो और आखिरी कौन सा है, 945, क्योंकि 7 से भाग हुआ था और 3 से भी हो रहा है, 9 4 13 और 5 18, तो डिवाइड बाई 21, ये कितने आ जाएंगे, और प्लस में 1, क्योंकि 714 को विद काउंट करना है ना, तो कितना हुआ, 5 में से 4 गए 1, 4 में से गए 3 और 9 में 7 गए 2, 231 डिवाइड बाई 21, तो 21 एक 21 21 एक 11 एक 12, 12 अक्षर 12 नंबर वो होंगे जो कि 7 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन वो दोनों में काउंट हो गए थे, इसलिए एक में काउंट कराने के लिए माइनस कर देंगे। तो कितना हुआ, 83 और 36 कितना हुआ, 8 119 हुआ, और इसमें से माइनस कर देंगे 12, तो 107 हुआ। 107 ऐसी संख्या है जो 3 और 7 से डिवाइड हो रही है, लेकिन हमें क्या करना है कि वो डिवाइड नहीं होनी, वो बतानी है। तो 251 टोटल थी, 107 माइनस कर देंगे तो कितना हुआ, 144 संख्या वो हो गई, आंसर क्या हुआ, सी, जो कि 3 से और 7 से दोनों से ही डिवाइड नहीं हो रही। तो इस तरह के क्वेश्चन आजकल काफी आते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो बहुत जल्दी कर दोगे, प्रैक्टिस नहीं है तो गलत भी हो जाएगा और टाइम भी लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज, ए कोई काम 20 दिन में करता है और बी करता है उस काम को 25 दिन में करता है, बी 25 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को करते हैं 3 दिन में, बताओ कितना काम हुआ, परसेंटेज में बताना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल काम 100 मान लेते हैं, इजी हो रहेगा क्योंकि सीधा परसेंटेज में आ जाएगा फिर। तो ए 20 दिन में करता है 100 यूनिट काम, एक दिन में कितना करेगा, 5 यूनिट, बी करेगा एक दिन में 4 यूनिट, दोनों मिलकर एक दिन में 9 यूनिट कर रहे हैं, 3 दिन उन्होंने काम किया, 27 यूनिट काम किया, टोटल काम था 100, तो 27 परसेंटेज काम हुआ है, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर 18 मीटर एंड 24 मीटर, हाइट है 12 दी हुई है, तो बताओ एरिया क्या होगा ट्रेपेजियम का,
समलंब का एरिया बताना हमें। तो क्या फॉर्मूला होता है, एक बटे दो समो पैरेलल साइड ए प्लस बी में लिख देता हूँ और इनटू हाइट, ये होता है। और क्या होता है समलंब, ये समलंब होता है, एक 18 है एक 24 है और दोनों के बीच की दूरी है वो है 12। तो हम क्या करेंगे, एक बटे दो 18 और 24 42 सीधा लिख दिया मैंने, और हाइट कितनी है 12, तो कितना हो जाएगा 6 × 2 = 12, 6 × 24 = 25, 252 बी का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टू सक्सेसिव डिस्काउंट दी है 50% to 10% ऑफर की जाती है, बताओ नेट डिस्काउंट कितनी होगी। तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, ये फॉर्मूला होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का। 50 और 10 60, 60 में से 5 गए, एक्स वाई कितना, एक्स वाई बाई 100 कितना हुआ 5, 60 में से 5 गए 55 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थ्री बॉटल्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी कंटेनिंग मिक्सर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 2:5, 3:4, 4:5 रेस्पेक्टिवली, दीज थ्री बॉटल्स आर एम्प्टीड इनटू ए लार्ज बॉटल, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर रेस्पेक्टिवली इन लार्ज बॉटल। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि तीन बॉटल है उनका रेशियो ये दिया हुआ है मिल्क और वाटर का, इन तीनों को एक बोतल में उड़ेल दिया जाता है, बताओ बड़ी बोतल में मिल्क और दूध का, मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। देखिए पहले क्या है, पहली बोतल में 2:5 है, दूसरी बोतल में कितना है 3:4 है, तीसरी बोतल में कितना है 4:5 है, मतलब कि अगर 7 यूनिट है ये, 7 यूनिट ये है, 9 यूनिट ये है, अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ इसका 63, तो अगर और मैं मान लू 63 लीटर इसमें है, 63 लीटर इसमें है, 63 लीटर इसमें है, तो 63 लीटर में देखो ये अगर 7 लीटर है तो 2 लीटर ये मिल्क है और 5 लीटर पानी है, 7 लीटर, तो 63 है तो कितना होगा मिल्क, 63 होगा तो 2/7 × 63, तो कितना हो जाएगा 2/7 × 63, ये हो जाएगा 18, यहाँ पे 18 हो गया और यहाँ पे हो जाएगा 35, क्योंकि 5/7 और इंटू 63, ऐसे ही इसमें क्या होगा 63 है तो 3, ये क्या है 18, 18 मिल्क है और ये है वाटर, और इस केस में क्या है 3/7 और 63, तो 9 × 27 ये हो जाएगा मिल्क और 9 × 36 ये हो जाएगा वाटर, अगर 63 हमने इक्विवेलेंट बना दिया इनको। 4 और 5 रेशियो में 4/9 और इंटू 63, तो कितना 9 × 63 = 728, ये 28 होगा तो ये 35, ये 35 होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 63 इक्वल कैपेसिटी है तीनों की बोतल की, तो हमने इक्वल मान लिया एलसीएम लेकर, तो कितना आया टोटल मिल्क इसमें, तीनों में मिलाकर हो गया 8 × 7 = 15, 8 × 8 = 23, 3 × 2 = 5 × 2 = 7, 73 इसमें हुआ और 35 × 35 = 70, 35 × 3 = 105 और यहाँ पे सॉरी ये 45 है, क्योंकि यहाँ पे 4/9 है और 7 × 35 = 35 है यहाँ पे, और यहाँ पे 45 है, क्यों है 45, क्योंकि 2/7 और 63, 9 × 45, तो ये 45 है, तो 35 × 3 = 105, 106 × 10 = 116 हो गया, तो ये आंसर आ जाएगा इसका बी, मिल्क हो जाएगा और वाटर इतना हो जाएगा, तीनों को मिला दिया बोतल में। अगला क्वेश्चन है 56, एवरेज एज ऑफ 6 मेंबर ऑफ फैमिली इज 20 इयर्स, इफ एज ऑफ सर्वेंट इज इंक्लूडेड देन एवरेज एज इंक्रीज बाय 25%, एवरेज एज इंक्रीज होती है, व्हाट इज द एज ऑफ द सर्वेंट। देखो एवरेज एज पहले कितनी थी 20, 25% कितना होता है 1/4, तो 5 साल इंक्रीज होगी, मतलब पहले 20 थी तो 25 हो गई है एज उसकी, एवरेज एज पहले 6 मेंबर थे फैमिली में, 6 मेंबर थे 20 थी एवरेज एज, टोटल कितनी एज है इनकी 120, अब कितने मेंबर हो गए सर्वेंट भी इंक्लूड हो गए 7 मेंबर हो गए और एवरेज एज कितनी है 25 हो गई है, 25 × 175, तो टोटल पहले एज 6 बंदों की थी 120, अब है 175, 55 का जो डिफरेंस है वो सर्वेंट की एज, जो सातवां प्रश्न है उसकी है, तो आंसर क्या हुआ डी। अगला क्वेश्चन है, फॉर एन आर्टिकल विद प्रॉफिट इज 190% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, इफ कॉस्ट प्राइस इंक्रीजेस बाय 10% बट सेलिंग प्राइस रिमेन सेम देन प्रॉफिट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस। तो क्या दिया हुआ है कि अगर 100 रुपए पहले सीपी है तो प्रॉफिट कितना 190, 100 पे 190 प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 290 रुपए। अब बोला कि कॉस्ट प्राइस अगर 10% इंक्रीज हो जाता है, पहले 100 था तो अब 190
10 हो जाता है, 10% इंक्रीज हो जाता है ये। तो बताओ, और सेलिंग प्राइस, बट द सेलिंग प्राइस रिमेन सेम, ये सेलिंग प्राइस है 290 रहता है। प्रॉफिट क्या होगा, सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट पूछा है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 180 रुपए, 180 रुपए हुआ 290 पे, 100 पे कितना प्रॉफिट होगा ये हमें बताना है। तो ये बताना है तो कितना हुआ, देखो ये 30, 29 है तो 30 होता तो यहाँ पे 6 होता, थोड़ा सा 6 से ज्यादा होगा 10, 60, थोड़ा सा ज्यादा कितना 62, अप्रोक्सीमेट बताना है। आंसर हुआ इसका बी। अगला क्वेश्चन है, ए बी एंड सी आर थ्री स्टूडेंट्स, ए गेट, ए गोट 18% मोर मार्क्स देन बी एंड 12% लेस देन सी, इफ बी गोट 220 मार्क्स देन हाउ मच मार्क्स सी हैज गोट। देखो ए 18% ज्यादा लेता है बी से और 12% कम लेता है सी से, बी लेता है, देखो ए और बी और सी तीन बंदे थे, बी को मिलते हैं 220 नंबर और ए है वो 18% ज्यादा, तो ए का कितने नंबर हुए 220 इंटू 118 बटे में 100, ये नंबर किसके ए के हुए हैं। हाउ मच सी कितना मिलेगा, जबकि ए है वो सी से कितना कम है, सी से 12% कम है, ए है 12% कम है, मतलब कि अगर सी एक्स है तो इसका 12% कम का मतलब हुआ 88/100, ये कौन है, ये ए है, तो आप बोल सकते हैं ये और ये अब दोनों बराबर हो गए हैं। तो कितना है देखो इसको, ये इस साइड ला सकते हैं हम, 220 इंटू 118 बटे में 88 और इंटू 100, तो 2288, 4 से कट जाएगा ये 25 आ जाएगा, क्या हुआ ये बता देना। क्या हुआ भाई, मैं बंद कर, अंदर से बंद करो, ठीक है मैं कर दूंगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू टू है। तो अब आप आगे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको मैं क्यूब कर देता हूँ, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा, इसका अगर क्यूब करते हैं तो कितना निकल जाता है, क्या फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला बता देता हूँ, एक्स थ्री वन बाय एक्स थ्री माइनस थ्री एक्स थ्री इंटू वन बाय एक्स थ्री, ये कैंसिल हो जाएगा और अंदर क्या लिखते हैं x माइनस वन एक्स, तो ये तो देखो दो है, ये दो है यहाँ पे, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस थ्री इंटू टू कितना हुआ 6 हुआ, लेकिन हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, और ये कितना है, ये 2^3 कितना हुआ 8, 8 और ये माइनस वाले हैं ये इस साइड आ जाएंगे 6, 8 अच्छा 14 आ जाएगी इसकी वैल्यू, तो आंसर क्या हुआ डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, एक्स दिया हुआ है ये और वाई एक्स स्क्वायर दिया हुआ है ये, तो हमें बताना इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू वन, और इसको कैसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू, और हमें बताना है एक्स वाई, तो अगर मैं इसकी स्क्वायर कर दूँ दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस है टू एक्स वाई इज इक्वल टू वन हो जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू दी हुई है दो, इसका मतलब टू एक्स वाई है ये, अगर मैं इसकी जगह पे माइनस दो लिख दूँ तो इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस दो और प्लस वन का मतलब माइनस वन हो जाएगा, एक्स वाई कितना हो जाएगा माइनस वन बाई टू, ये आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो, और हमें बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू बताना है माइनस का निशान है। तो हम क्या करेंगे इसमें, कि दोनों तरफ सात जोड़ देते हैं पहले, एक्स प्लस सात, और ये क्यों जोड़ रहे हैं हम लोग, हम इसलिए जोड़ रहे हैं इसको ताकि हमें इस फॉर्मेट में लाना है, कौन से वाले में जो पिछले क्वेश्चन में गया था एक स्टेप, वो स्टेप का यहाँ पे इस्तेमाल होगा, इज इक्वल टू सात हो गया। अब मैं इसको अगर स्क्वेयर करूँ बोथ साइड, ये स्टेप था यहाँ वहाँ पे भी, तो क्या हुआ एक्स प्लस सेवन का स्क्वेयर होगा और एक्स प्लस सेवन का यहाँ पे स्क्वेयर होगा और प्लस टू हो जाएगा और कितना हुआ 49 हो जाएगा, तो ये इस साइड जाएगा 49 माइनस टू दिए कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा, ये 47 हो जाएगा, और
और ये किसके बराबर होता है, ये देखो x प्लस सेवन और माइनस वन बाय एक्स प्लस सेवन, इसका अगर मैं स्क्वेयर करता हूं तो ये क्या होता है, x प्लस सेवन का स्क्वेयर और प्लस x प्लस सेवन का स्क्वेयर और माइनस टू। तो ये देखिए कि पिछले से पिछले क्वेश्चन में भी इस्तेमाल हुआ था ये स्टेप इस तरह का। तो ये कितना है, ये है 47, 47 माइनस टू कितना हो 45, 45 यहाँ पे हो गया। और मुझे क्या करना है इसका, क्योंकि अब रूट करेंगे तो 40 रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 रूट 5, क्योंकि 9 5 45 होता है तो 3 रूट 5 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, हमारे पास आ गया इसकी वैल्यू, माइनस का निशान आ गया यहाँ पे, और हमें क्या करना है यहाँ पे अब 7 माइनस कर देना है दोनों तरफ, तो 3 रूट 5 माइनस 7, इससे क्या है ये कैंसिल हो जाएगा, ये चला जाएगा, तो ये बच जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा, ये 20 का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर डीई पैरेलल टू बीसी, डीई बीसी के पैरेलल में है और एडी दिया हुआ है 5 यहाँ पे और डीबी दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, हमें बताना है डीई और बीसी की वैल्यू क्या, इसकी और इसकी वैल्यू क्या होगी, ये बताना है क्या रेशियो होगा। तो किस रूप में होगा, ये फॉर्मूला होता है एडी डिवाइड बाई एबी और डीई, ये प्रॉपर्टी होती है बीसी। एडी कितना है यहाँ पे 5 है और ए बी टोटल कितना हो जाएगा 8, तो 5/8 है ये रेशियो हो जाएगा, तो आंसर क्या हुआ ए। अगला क्वेश्चन है, पी क्यू आर एस है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, पी क्यू है डायमीटर है सर्कल में, इफ आर पी क्यू दिया हुआ 38 डिग्री, तो हमें बताने हैं पी एस आर की वैल्यू क्या होगी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सर्कल में एक है सर्कल है ये, और उसके अंदर पी क्यू है वो डायमीटर है, तो पी क्यू डायमीटर को ले लिया हमने, और पी क्यू आर और एस ये मान लेते हैं बिंदु दूसरे, और ये क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है। इफ आर पी क्यू दिया हुआ है आर पी क्यू, ये 38 दिया हुआ है, और हमें बताना है पी एस आर की वैल्यू क्या है, पी एस आर इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो क्या है देखो, एक ये डायमीटर है, डायमीटर के होने वजह से क्या है, सेमी सर्कल बन गया, 90 डिग्री का एंगल होता है, जो 90 38 कितना हो 128, 120 180 में से 128 माइनस करेंगे तो कितना हुआ 52, 52 ये है। और जो क्वाड्रिलेटर होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, आमने सामने कोणों का जोड़ होता है, वो 180 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये फिर 128 हो जाएगा, वापस 128 प्लस 52 180 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 67 नंबर, स्मॉलर डायगनल ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इट साइड्स, इफ लेंथ ऑफ ईच साइड इज 6 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज इक्वल टू बिगर डायगनल ऑफ द रोम्बस। क्या दिया हुआ है, ये एक रोम्बस दिया हुआ है, रोम्बस क्या होता है जिसकी चारों साइड है बराबर हो, कोई जरूरी नहीं 90 डिग्री का बने। साइड कितनी दी है 6 सेंटीमीटर दी है, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, इसका एक डायगनल होगा छोटे वाला ये और बड़े वाला ये होगा डायगनल, दिया हुआ है बताया गया है कि छोटे वाला जो डायगनल है ना, लेंथ ऑफ ईच साइड 6 सेंटीमीटर है और स्मॉलर डायगनल है वो इसकी साइड के बराबर है, तो इसका मतलब ये जो डायगनल है वो भी, ये वाला जो डायगनल है वो भी 6 सेंटीमीटर है, तो ये क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई 6 6 6, और इसका मतलब क्या है ये जो गुजरेगा वो इसको ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये इसको दो भागों में बांटेगा, इनफैक्ट तो दो भागों में बांटेगा और ये भी दो भागों में बांटेगा, तो इसका मतलब क्या, अगर हम ये ज्ञात कर लें तो ये पता चल जाएगा इसका डबल हो जाएगा। तो क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, रूट 3/2 ए, ए इसमें 6 है इज इक्वल टू एच, तो 3√3 है वो एच आ गया, मतलब इसकी वैल्यू आ गई है, लेकिन ये आधा है तो इसका मतलब 6√3 आ जाएगा, किसका, ये पूरा एक डायगनल है पूरा हो जाएगा 6√3। और क्या आगे क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल व्हिच साइड इज इक्वल टू बिगर डायगनल ऑफ ए रोम्बस, हमें अब निकालना है इसका एरिया क्या होगा, अगर ये साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये 6√3 है तो क्या फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3/4 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब साइड कितनी, ए कितना है ये है इसमें ए, तो कितना हो जाएगा ये √3/4 और 6 6 36 हो जाएगा यहाँ पे और √3 तो 4 9 36 9 3 27 हो जाएगा, 27√3 है ये इसका आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 68 नंबर,
इन द गिवन फिगर पी आर एंड एस टी आर परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। पी आर एंड एस टी ये जो दो है ये जो टेंजेंट है इसके परपेंडिकुलर है। पी क्यू पासिस थ्रू सेंटर ओ, पी क्यू है वो ओ से गुजरता है और डायमीटर है इसका वो 10 सेंटीमीटर है। डायमीटर का मतलब कि ये 5 होगा ये 5 होगा और क्योंकि ये भी रेडियस है तो ये भी 5 होगा। पी आर दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, पी आर 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हमें बताना है लेंथ ऑफ एस टी कितना होगा, एस टी का मतलब ये इसकी लंबाई कितनी होगी। तो जो क्वेश्चन थोड़ी देर पहले एक आया था उसी तरह का क्वेश्चन फिर ये है। इसमें क्या है कि ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, ये तो क्या एस टी जो हमें निकालना है एस टी, और ये है ओ एम, ओ और एम, और ये है पी आर जो कि 9 है, ये 5 है और ये भी 5 है और ये भी 5 है और ये हमें पता नहीं है तो ये हम ये निकाल देंगे पहले। तो इसको x मान लिया मैंने और फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं ये ट्रायंगल ये मान लेता हूँ, ये वाली ट्रायंगल एक अभी और ये वाली, तो इसमें क्या होगा ये x प्लस 5 है और ये पूरा है 5 5 10, एक्स प्लस 10 क्या यूज किया मैंने कि ये बटे में ये टोटल इज इक्वल टू कितना होगा 5 और ये 9 है, 5 और 9 है, इससे क्या है देखो 9x प्लस 45 और 5x प्लस 50 तो 4x 5 के बराबर है, x की वैल्यू हो जाएगी 5/4, ये आ जाएगा 5/4, 5/4 आ गया। अब देखो 5 ये 5/4 है ये वाला और ये है 5, ये है 5, ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 5/4, 5 प्लस 5/4 का मतलब हो गया ये हो जाएगा 25/4, 25/4 हो जाएगा पूरा। तो क्या है 5/4 डिवाइड बाय 25/4 इज इक्वल टू इसको हम एस टी मान ले, एस टी है ये और डिवाइड बाय 5, ये प्रॉपर्टी दोबारा लगा दी हमने तो कितना हो जाएगा एस टी की वैल्यू हो जाएगी 1, एस टी 1 हो गया तो आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सिंपलीफाइड वैल्यू, इसकी हमें सिंपलीफाइड वैल्यू बतानी है। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग ए और माइनस कोस स्क्वायर ए, ये क्यों किया ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर दिया हमने। और देखो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा वो कितना होता है 1 होता है तो सीकेंट कितना हो जाता है 1 प्लस टेंजेंट होता है तो हमने क्या किया यहाँ पे सीकेंट की जगह 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए कर दिया और माइनस क्या है कोस स्क्वायर ए। लेकिन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो साइन स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस है कोस स्क्वायर, तो इसकी जगह क्या कर दिया मैंने साइन स्क्वायर ए हो गया और ये 1 माइनस कोस स्क्वायर ए कितना होता है साइन स्क्वायर के बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, तो टेंजेंट स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सिंपलीफाइड वैल्यू ऑफ, इसकी हमें सिंपलीफाइड वैल्यू बतानी है क्या होगी। देखो कोसिकेंट को क्या कैसे लिख सकता हूं मैं, कोसिकेंट को लिख सकता हूं 1 बाय साइन, और कोट को क्या लिख सकता हूं मैं, कोट को लिख सकता हूं मैं भाग में है ना, मैं भाग में यहां पे ऐसे कर देता हूं कोट, कोट कितना है कोट होता है कोस ए बटे में साइन ए और प्लस साइन ए और बटे में कोस ए बटे में कोस ए, तो देखो ये क्या बन गया साइन ए और कोस ए एलसीएम आ गया, ऊपर आ जाएगा कोस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए जो कि 1 के बराबर होता है, जो कि 1 के बराबर होगा। इसका मतलब 1 बाय साइन ए और भाग में, भाग में का मतलब 1 बटे में ये तो ऊपर चला जाएगा ये साइन ए और कोस ए और बटे में 1 साइन से साइन कैंसिल तो इसकी जगह पे क्या आ गया कोस ए, इसकी वैल्यू आ गई कोस ए और ये क्या स्क्वायर तो कोस ए का स्क्वायर आ गया कोस ए स्क्वायर, कोस ए स्क्वायर किसके बराबर होता है इसमें तो कोस स्क्वायर है नहीं वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है, क्यों क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर है वो 1 के बराबर होगा तो कोस स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अगला क्वेश्चन है 71, व्हाट इज सिंपलीफाइड वैल्यू ऑफ, इसकी हमें सिंपलीफाइड वैल्यू बतानी है। आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उसको सॉल्व कीजिए। टेंजेंट ए हम क्या कर सकते हैं, हम वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, देखो अगर 0 करेंगे तो इन्फिनिटी में चला जाएगा, 90 करेंगे तो इन्फिनिटी में चला जाएगा, 45 करेंगे तो इन्फिनिटी में चला जाएगा क्योंकि 1 प्लस 1 0 हो जाता है, तो हम क्या करेंगे या तो 30 रखेंगे या 60 रखेंगे,
तो 60 रख लेते हैं, या 30, बात ये की पड़ेगी 30 रखिए, 60 मैं 60 रख लेता हूँ। टेंजेंट 60 कितना हुआ, रूट थ्री, और 1 माइनस ये होता है 1 बाय रूट थ्री, प्लस कोट ए, कोट 60 कितना होता है 1 बाय रूट थ्री, 1 माइनस टेंजेंट, और ये टेंजेंट 60 कितना होता है रूट थ्री, और माइनस 2 से 2 कैंसिल आप बोल सकते हैं, और साइन ए इंटू कोस ए, साइन ए साइन 60 कितना रूट थ्री बाई टू, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रूट थ्री बाई टू, और ये होता है कोस 1 बाई टू, तो ये होता है रूट थ्री बाई फोर है, तो ये चला जाएगा ऊपर, तो 4 डिवाइड बाई रूट थ्री ये हो जाएगा, और यहाँ पे भी मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ इसको, ये हो जाएगा रूट थ्री माइनस 1, और ये चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर जाने से क्या हो जाएगा रूट थ्री इंटू रूट थ्री, 3 के बराबर हो गया। अब क्या है, एलसीएम ले लेते हैं इसका, क्या है एलसीएम, रूट थ्री और 1 माइनस रूट थ्री ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये रूट थ्री हो गया, बच गया रूट थ्री, 1 माइनस रूट थ्री को भाग देंगे इससे तो ये रूट थ्री होगा, तो ऊपर जाएगा रूट थ्री कितना हो जाएगा, ये तो 3 के बराबर हो गया, तो 3 रूट थ्री ये तो ऊपर चला गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है कि मैं इसको रूट थ्री माइनस 1 कर लेता हूँ, ये माइनस का निशान हो जाएगा यहाँ पे, और रूट थ्री क्यों मैं कर रहा हूं, ताकि रूट थ्री माइनस 1 ये मैं इसलिए कर रहा हूं रूट थ्री माइनस 1 क्योंकि यहाँ पे रूट थ्री माइनस 1 था, और इसको मैं निशान चेंज करूंगा रूट थ्री माइनस 1 बन जाएगा, तो ये रूट थ्री माइनस 1 रखिए यहाँ पे, रूट थ्री माइनस 1, रूट थ्री माइनस 1 यहाँ पे है और निशान चेंज हो गया, ऊपर क्या है, ऊपर कुछ नहीं हुआ, एक ही रहेगा। अब देखिए रूट थ्री यहाँ पे है, तो रूट थ्री और रूट थ्री माइनस 1 इसको मैं 4 से गुणा करूंगा कितना हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाता है 4 रूट थ्री और माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, 4 रूट थ्री हो जाएगा, और माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 4 क्योंकि 4 माइनस के प्लस में 4 हो जाएगा, माइनस बाहर है। अब देखिए इसमें माइनस 4 रूट थ्री में से 3 रूट थ्री करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस रूट थ्री, और 4 में से माइनस 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये नीचे है 3 रूट थ्री बाहर है, बाहर है तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना होगा 3, और ये अंदर 1 है तो रूट थ्री हो जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब ये दोनों बराबर कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा आंसर, सी का आंसर होगा। यहाँ पे मैंने क्या किया है, वैल्यू पुट की है, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, टेंजेंट ए की जगह साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, यहाँ पे कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा ये भी कर सकते थे, लेकिन अल्टीमेटली क्या यहाँ पे निशान चेंज होगा जिससे कि आपका क्वेश्चन आगे बढ़ पाए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 72 डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन है, टेबल से रिलेटेड, टेबल गिवन बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ लिटरेट प्रॉब्लम इन 6 सिटीज, 6 शहरों में जो लिटरेट लोग हैं उनकी दी हुई है, दिस टेबल ऑल्सो शोज द रेशियो मेल्स टू फीमेल, मेल और फीमेल अमंग लिटरेट पीपल, लिटरेट है उनका रेशियो दिया हुआ है। आगे बताना है हमें कि इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज, सिटी 4 इज, क्वेश्चन नंबर 72 की बात कर रहे हैं, सिटी फोर ये है, इसकी पॉपुलेशन कितनी है 6 लाख, अगर 6 लाख है तो बताओ लिटरेट पीपल कितने होंगे, लिटरेट है 63%, तो 63 × 6 लाख कितना हो, 6 × 18 = 36, 36 × 36 = 37, 3,78,000 हो जाएगा बीस का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी 6 इज 2 लाख, अगर है सिटी 6 की 2 लाख पॉपुलेशन है, 2 लाख है पॉपुलेशन 200,000, और पॉपुलेशन सिटी 2 की है 220,000, बताओ व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ लिटरेट मेल्स ऑफ सिटी 2, सिटी 2 का लिटरेट मेल और लिटरेट फीमेल ऑफ सिटी 6, तो लिटरेट मेल कितना हुआ, मेल है 11 में से 7, तो 11 में से 7 मेल है, 7/11, और ये क्या है 220, टोटल पॉपुलेशन का 220 का 85% कर दूं मैं तो ये लिटरेट आ जाएगा, ये लिटरेट आ जाएगा 220,000 × 85/100, अगर मैं ये करता हूँ तो, और 7/11 तो ये क्या आ जाएगा, ये मेल की आ जाएगी पॉपुलेशन लिटरेट मेल की, और लिटरेट फीमेल की और बतानी हमें रेशियो, लिटरेट फीमेल, लिटरेट फीमेल कितने हैं, 3 है 5 में से, तो यह है 3/5, और पॉपुलेशन कितनी है 200, और 58% लिटरेट है, तो जो लिटरेट है उसको हमने 3/5 से कर दिया, 200,000 को ये 100 से भाग दे दिया,
तो ये आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो 11 दूनी 22 और 20 पंजे 100 और 17 सत्तर 119, 119 और कितनी जीरो आ गई, 220 रखी है तो हमने 3 जीरो और लगा दिया, 220,000 था इसके आगे 3 जीरो लगा दो। अब देखिए इसमें भी यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है, और यहाँ पे अब देखो आप 2 लाख ले, 1 जीरो और लगाओ यहाँ पे क्योंकि 3 जीरो है, 520, 4 तिया 12, 12 अठे 96, 12 पंजे 60, 9 696 और आगे 2 जीरो लगाओ, ये आ गया। तो ये कैंसिल हो गया और ये 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 चौके 8 ये आ जाएगा और इस साइड आ जाएगा 2 पंजे 10, 2 9 18, 2 पंजे 10, 595 और 348, 595 348। ये क्या है, ये पहले मेल का पूछा हुआ है, ये मेल का और ये फीमेल का पूछा, फीमेल वाला ये था, फीमेल वाला कौन सा है, ये है, तो आंसर क्या हुआ, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है कि वही क्वेश्चन है, इफ देर आर 2,49,59,210 लिटरेट फीमेल इन सिटी 5, ये लिटरेट फीमेल है, इसमें लिटरेट फीमेल है तो बताओ पॉपुलेशन क्या होगी। तो देखो 7/9 नौ 7 16, 7/16 है, 16 लिटरेट है टोटल है, तो 7 फीमेल है और लिटरेट टोटल कितने हैं, लिटरेट टोटल है इतने 2,59,2, आप बोल सकते हैं कि 92% है, 92% का मतलब कि 92 में यहां पे कर दूं तो कितना हुआ, 4 चौके 16, 23, 23, ये क्या है, लिटरेट है, अगर इतने लिटरेट हैं तो पॉपुलेशन कितनी है, 100, ये हो जाएगा 23 × 7, इतने लिटरेट है तो पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 100, क्योंकि 100 में से जो लिटरेट थे उसको हमने 7/16 कर दिया, फीमेल आ गई। अगर एक है तो कितना हो जाएगा, एक हो जाए 100/ 23 × 7 × 4, ऊपर कर दिया मैंने 4, और अगर ये है लिटरेट इतने तो कितना हो जाएगा, इंटू यहाँ पे कर देता हूँ 2,59,4,210, तो देखिए ये 23 से कटना चाहिए, 23 × 23 2, 23 × 23 और 23 और 6, 23 × 23 2×40 और 23 × 7 161 0 और 7 से कट जाएगा, 7 × 16 = 112, 1 0 और ये कितना है, ये 4 था यहाँ पे, तो 4 × 4 4 6 24, 4 × 4 8 6, 0 0 0, 6,44,000 आ जाएगा, ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन है ये, इसमें वही टेबल है और पॉपुलेशन दी हुई है 6 सिटी की, 2,50,000 है, 2 लाख है इतनी पॉपुलेशन दी है, बताओ करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ लिटरेट पीपल इन दिस सिटी, लिटरेट कौन से, ये वाले हैं। तो अगर पहले में 2,50,000 है, 2,50,000 का 80% लिटरेट है, तो 2,50,000 का 80% कितना हुआ, 2 लाख, यहाँ पे ने 2 लाख लिख दिया, ये है 2 लाख, 2 लाख का 85%, 2 × 10 = 2,8 = 16 = 17, 1,71,000 हो जाएगा। अब है तीसरी को, 2,20,000 का 78%, 2,20,000 का और 78%, तो 22,76 और कैरी हुआ 17, 22,74 और 17 कितना हुआ, 174, 174 पॉइंट। अब अगले देख लेते हैं, ये आ गया 30, 3 लाख, 3 लाख का 78, 3 × 8 = 24, 3 × 3 = 21 और 2 = 23, सॉरी ये फोर्थ है और फोर्थ का ये है ये वाला, तो 3 × 3 = 9 और 3 × 6 = 18, 189, 1.8, 189,000। फिर है ये अगला 1,50,000 का 92% कितना हुआ, 15 से गुणा कर दो, 15 × 2 = 30 और 15 × 2 = 30, 15 × 135 और 3 × 138। फिर आ गया ये वाला 4 लाख का 58, तो कितना हुआ, 58 से गुणा कर दो, 4 × 8 = 32 और 4 × 5 = 20 और 3 = 23, तो ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि बताओ सबसे ज्यादा
करेक्ट ऑर्डर कौन है? सबसे ज्यादा क्या है, सिटी सिक्स में 232, उसका सिटी वन में है, फिर उसके बाद कौन से में है, फिर उसके बाद है सिटी फोर में, 1 2 3 4, ये क्योंकि यहाँ तक तो तीन दोनों सेम है। फिर आगे देखिए ये फिर थर्ड में आ जाता है, थर्ड गया क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ हो गई क्योंकि ये कम है, तो ये इसलिए डी आंसर हो जाएगा। फिर आगे टू है और सबसे कम है फिफ्थ में क्योंकि ये 138 है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने टोटल 25 क्वेश्चन कर दिए हैं। ये क्वेश्चन पेपर है रीजनेबली, आप आसानी बोल सकते हैं इसको, मुश्किल की तरफ है और इसको 25 से 30 मिनट में आपको करना पड़ेगा, फास्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर इसमें कम से कम 23-24 स्कोर होना चाहिए।